यह है सयाजी बाग, जो कि महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जी ने इसको बनाया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सभी मानवों के लिए। आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आप संकल्प भूमि सयाजी बाग तक पहुंचेंगे और यहां का एक एक दृश्य संकल्प भूमि तक पहुंचने से पहले आपके लिए मनमोहक होगा। इस तरह आप संकल्प भूमि सयाजी बाग के सीधे रास्ते में प्रवेश करके संकल्प भूमि पर पहुंच सकते हैं। सामने ऐतिहासिक पवित्र संकल्प भूमि का द्वार है और यहीं पर एक बाबा साहब के नाम से एक ब्रिज बना हुआ है। इस तरह घूमते फिरते हम बाबा साहब के उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां बाबा साहब के अश्रु गिरे और इस वडोदरा शहर में जब बाबा साहब नौकरी करने आए और काफ़ी अपमानित हुए तो बाबा साहब ने इस सामने की भूमि पर शरण ली, तब एक संकल्प वृक्ष था, अब उसकी द्वितीय शाखा उपलब्ध है। इस तरह बाबा साहब ने जो यहां पर संकल्प लिया उस संकल्प ने उन तमाम मुर्दों में जिनका जीवन जीवित रहते हुए भी मुर्दों के समान था उन तमाम मुर्दों में जीवन भर दिया। तभी तो हम कहते हैं कि मुर्दों में भी जान डाल दी बाबा भीम तेरे संकल्प ने। अब मैं आपको उस वृक्ष के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिस ओरिजिनल वृक्ष के नीचे बाबा साहब ने संकल्प लिया, उसकी द्वितीय शाखा लगाकर संकल्प वृक्ष को जिंदा रखा गया है। ऐसे वृक्ष को सत सत नमन। यह वह सामने वृक्ष है। इस तरह जब मैं यहाँ पर अंदर प्रवेश किया है तो संकल्प भूमि के अनुयायी इस प्रमाइसिस के अंदर ही मिले, ये बड़ी खुशी की बात है और मैं भी खुश हो गया कि यहाँ पर कभी ये जगह खाली मुश्किल ही रहती है, हर वक्त कोई ना कोई संकल्प भूमि के अनुयायी यहाँ पर रहते ही हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो आपको बता दूं बाबा साहब ने जो यहाँ संकल्प लिया था वह संकल्प नहीं, वो भारत के संविधान का अंकुरण था और बाबा साहब के जो अश्रु गिरे थे वो अश्रु नहीं थे, वो संविधान की स्याही थी। और इस तरह जो बाबा साहब ने संकल्प लिया वो हमारे पूरे देश को बाबा साहब ने अपने संकल्प से संविधान दिया और हम सबका जीवन बदल दिया। ऐसे बाबा साहब उनके लिए जितना भी कहें उतना कम है और हमारे जवान इतना नहीं बोल सकती जितना बाबा साहब ने किया। इस तरह बाबा साहब ने जो यहाँ से उन तमाम करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, ऐसी महान पवित्र भूमि पर हर वर्ष 23 सितंबर को कार्यक्रम होता है ऐतिहासिक पवित्र संकल्प दिवस के रूप में। मेरा अनुरोध है आप सभी से कि जिस तरह हम बाबा साहब की जन्म जयंती देश के कोने कोने में मनाते हैं, ठीक उसी तरह बाबा साहब ने जो संकल्प लिया और संकल्प के बाद जो त्याग किया, उन्होंने अपने दो दो बेटों को, पत्नी को, अपने परिवार के चार चार सदस्यों को खोया संकल्प लेने के बाद, और हमको वो सब कुछ दिया जो कोई दे नहीं सकता था। 5000 साल से हमारे पूर्वज किसी न किसी देवता की पूजा करते हुए आ रहे थे, लेकिन अगर किसी ने कुछ दिया तो बाबा साहब ने जो यह संकल्प लिया उससे प्राप्ति हुई। ऐसे महान पर्व को जिस तरह हम बाबा साहब की जन्म जयंती मनाते हैं, इस तरह देश के कोने कोने में संकल्प दिवस भी मनाना चाहिए। ऐसी मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ कि इस दिवस को भी महान बना दो। इस दिवस की वजह से बाबा साहब ने इस देश की तकदीर बदल दी भारत के संविधान से, और भारत का संविधान बाबा साहब ने यहाँ से जाकर 26 अलीपुर रोड दिल्ली में लिखा और भारत की राजधानी हुई नई दिल्ली,
लेकिन हम ये बोलते हैं कि संकल्प भूमि इस सयाजी बाग बड़ौदा में होने के कारण भारत के संवैधानिक राजधानी ये बड़ौदा शहर हुआ, जो गुजरात के अंदर एक हर्ट, गुजरात का दिल है। तो भारत का, भारत की राजधानी भले ही आप नई दिल्ली मानते हो, लेकिन भारत के संविधान की राजधानी संकल्प भूमि सयाजी बाग है, ऐसी भी आप प्रसिद्धि कर दें। आगामी 23 सितंबर को यह कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रतिवर्ष होता है, आप भी मनाइए। जय भीम, नमोदय, जय भारत।